आपसे अनुरोध कर रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक मत से फैसला लेकर ये तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के तमाम केंद्रों पर जाके किसानों की तरफ से ये अपील करेंगे कि इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दें। ये हमें करने पे इसलिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि नंबर एक, किसानों का मोर्चा उठाते वक्त भारत सरकार ने 9 दिसंबर को जो हमें लिखित वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। कहा था MSP की कमेटी बनेगी, 2 घंटे का काम था, आचार संहिता नहीं थी, लेकिन आज 2 महीने हो गए वो कमेटी नहीं बनी। कहा था किसानों पे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, राज्य सरकारों का तो लंबा मामला है, केंद्र सरकार ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए, रेलवे के मुकदमे वापस नहीं लिए, यूनियन टेरिटरी के मुकदमे वापस नहीं लिए। कहा था शहीदों को मुआवजा दिया जाएगा, हरियाणा ने किया, उत्तर प्रदेश ने नहीं किया। और किसानों ने पहले दिन से मोर्चा उठाते वक्त भी जो मांग रखी थी, कही थी, पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम भूले नहीं हैं और इस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप यहां से बहुत नज़दीक हैं। हमने कहा था कि अजय मिश्र टेनी, जिन्हें हम लखीमपुर खेरी कांड का मुख्य सूत्रधार मानते हैं, हमने कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। इस बीच SIT की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में साफ माना गया कि सिर्फ साधारण हत्या नहीं है, इसके पीछे षड्यंत्र था, लेकिन षड्यंत्रकर्ता जो है वो आज भी छुट्टा घूम रहा है। ये किसानों के घाव पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया है। और हमें ये अपील इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि पिछले 5 साल में इस योगी सरकार ने घोर किसान विरोधी सरकार यहाँ पे चलाई है। सरकार ने क्या कुछ किया मैं पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा, राकेश जी हैं, अन्य साथी बताएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कल भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसको इन्होंने क्या क्या लोक कल्याण संकल्प पत्र, शायद इन्हें लगता है कि लोग इनका 5 साल पहले वाला पत्र भूल गए। कल इन्होंने वायदा किया कि क्योंकि जो बरेली है ये पूरा एक सेंटर सा पड़ता है लखनऊ और उसके बीच का एक बढ़िया क्षेत्र ये है। अब यहाँ पे इसलिए आए, मुरादाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपनी बात बताने आए हम। तो देखो किसान को नुकसान बहुत है, वो MSP पे खरीद नहीं, उसकी उपाधि लिखत पढ़त में बहुत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बड़ा व्यापारी खरीदता है सस्ते में और महंगे में MSP पे बेचता है। बहुत ट्रक आपने देखे होंगे, 1000 ट्रक रोज निकलते हैं यहाँ से धान के उसके, और आपने तो पूरा देखा है यहाँ पे भी, यहाँ से बराबर में शाहजहाँपुर आपके हैं, रामपुर बराबर में है कि जब धान किसान अपना बेचता है तो लाइन में ही लगा रहता है, बस रोड़े रुके में ही रहता है किसान। तो इस सरकार से नाराजगी तो है किसानों को, आम लोगों को भी है। बिजली का भी एक बता देते हैं हम, हरियाणा में भी इसी विचारधारा की पार्टी है, वहाँ पे 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है एग्रीकल्चर पे, और यहाँ पे 175 है, तो अंतर ज़्यादा है। लोग यही तो पूछते हैं कि क्या योगी जी से मजबूत खट्टर साहब है क्या, ये लोग पूछते हैं। अगर कोई पंखा बल्ब जलाता है अपना तो 1200 रुपये देना पड़ता है इसको, गांव में बहुत बुरी स्थिति गांव की है। क्या गांव के लोगों को जो गरीब आदमी वोट के बदले में अनाज, वही उनका हो गया कि हमने फ्री में सब चीज़ दे दी, उनको रोजगार चाहिए। तो लोग तो तरसते हैं, 13 महीने आंदोलन हुए, हमको 22 जनवरी के बाद में भारत सरकार तो मिली नहीं, ना यहाँ की सरकार कोई मिली। 22 जनवरी 2021 एक साल से ज्यादा हो गया, कोई सरकार का नुमाइंदा किसानों से पूछने नहीं आया, 13 महीने वहां पर रहे। तो भाई इस तरह के लोग चाहिए। तो हमने जनता को कहा है कि आधे रेट में अपनी फसल को बेच के कहां आपको वोट देना है, आप दे सकते हो। आवारा पशु
किस तरह से बर्बाद किसान के खेत हो रहे हैं वो आप देख सकते हो। जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा, किसान के पास तो जमीन चली गई। हमने सरकार को कहा भाई ये जमीन कैसे बचेगी, किसान क्रेडिट कार्ड 300% का इंटरेस्ट देता है किसान, 1,00,000 रुपये अगर उसने बैंक से ले लिए, एक रात के लिए बैंक में जमा करते हैं वो 10,000 रुपया देना पड़ता है उसको एक रात का। तो कोई पॉलिसी उस तरह की नहीं है कि सरकारें ठीक उससे काम कर रही हो। हम वोट की नहीं बात करते किसी से भी कि किसको कहां देनी क्या करनी, हम तो अपनी बात बता रहे कि हम त्रस्त हैं। से अधिक कभी नहीं की है, वायदा करते हैं कि सिंचाई, मुख्यमंत्री सिंचाई योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया जाएगा। ये भूल जाते हैं कि आज से 5 साल पहले इन्होंने वायदा किया था कि मुख्यमंत्री सिंचाई कोष बनेगा 20,000 करोड़ का। 5 साल पहले 20,000 करोड़ का वायदा था, बनाया जीरो, अब वायदा है 5,000 करोड़ का, अगली बार शायद 5 रुपए का हो जाएगा, बनेगा नहीं। वायदा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी किसानों को क्या सोलर पंप दिया जाएगा। 5 साल पहले कहा था एनर्जी एफिशिएंट पंप देंगे किसानों को, और कितने, 10,00,000 एनर्जी एफिशिएंट पंप 2022 तक देने का सरकार का वायदा था, कितने मिले, 6,800। 10,00,000 का वायदा था, 6,800 दिए। एक एक तथ्य है, सरकारी तथ्य है, और हमने एक छोटी सी पुस्तिका बना के उसमें एक एक भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले क्या वायदा किया था और उस वादे की क्या हकीकत हुई, एक एक बात सरकारी प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। इसकी लिस्ट बिजली की जरूर बता दूँ, कहते हैं इस बार बिजली मुफ्त देंगे, पिछली बार क्या बोला था, बिजली पर्याप्त और सस्ती देंगे। पर्याप्त का नतीजा ये हुआ कि घंटे कम हो गए बिजली के, और सस्ती का नतीजा ये हुआ कि 1 रुपया यूनिट के बजाय 2 रुपया यूनिट हो गई, फिक्स चार्जेस 30 रुपए की बजाय 70 रुपए हो गए, और जो फ्लैट मीटर हुआ करता है वो 100 की बजाय 170 रुपया हो गया। ये सच्चाई है, हम सब जानते हैं, कोई ऐसा तथ्य मैं बोलूं जो गलत हो आप मुझे बता देंगे। वो पार्टी जब नए वादे लेके आती है, 5 साल बाद उन्हीं वादों को एक नई पन्नी के अंदर बांध के पेश करती है, तो किसान को भरोसा नहीं हो सकता। किसान, इस किसान विरोधी सरकार के चरित्र को अब उत्तर प्रदेश का किसान पहचान गया है, और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम सब लोग ये अपील इस देश के तमाम, प्रदेश के तमाम किसानों के नाम लेके आए हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी, मैं चाहूँगा कि